दर्शकों दूरदर्शन के कार्यक्रम हिम कलश में आपका स्वागत है जैसा कि हम सभी जानते हैं कार्यक्रम हिम कलश आप सभी को हिमाचल संस्कृति से जोड़े रखने का एक अभिन माध्यम है जी हाँ आज एक बार फिर हम आपको लेकर आए हैं जिला शिमला के घनाटी के नजदीक चौरी गांव में जहाँ पर एक ऐसा ही उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है जी हाँ उत्सव का नाम है माल पूर्णिमा उत्सव दिवाली से पंद्रह दिन पहले मनाया जाता है जिसमें विशेष रूप से गाय की पूजा की जाती है कुमकुम लगाकर तिलक लगाकर उन्हें अभिनंदन किया जाता है फूलों की माला पहनाई जाती है 好。 जैसा कि हम सभी जानते हैं हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है ये उत्सव भी इसी संदर्भ में मनाया जाता है आइए बातचीत करते हैं यहाँ कुछ महिलाओं से कि इस उत्सव का महत्व क्या है किस उत्साह से ये इनके यहाँ पे मनाया जाता है गौ माता की जय गाय हमारी माता है ये हमारे बच्चे का पालन पोषण करती है सबको दूध घी देती है बछड़े होते तो उनको हम बांधते हैं अपने खेती बाड़ी पैदा करते हैं और ये जो माड़ पुण्य का त्यौहार है इसको हम मनाते हैं गीत गाते हैं मंडी स्केत से लेकर फिर भज्जी धामी क्यूंथल सारे इलाके को गिन के सारे में गौ माता जाती है और फिर चार बजे हम उठ जाते हैं सवेरे चूल्हा चौका करते करके दाणा बनाते हैं दाणा बना के कीड़े के पत्ते लेते हैं पत्ते के ऊपर हम सारी पिनिया बना के उसकी पूजा करते हैं फिर सारे गांव में बैठते हैं तब हम अपने पशु के पास गाय के पास जाते हैं वहाँ चौका दे के गाय को पहले उसके पैर धोने फिर उसको टीका लगाना छप्पे लगाने माड़ा लगानी और उसको दाड़ा पीनी दे के तब उसके पास मत्था टेक के फिर दो चार बहनें इकट्ठी हो के वहाँ माड़ के दिन गीत गाती है विशेष जो पूर्णमासी का ये दिन है इस दिन विशेष मुहूर्त रेवती नक्षत्र जो देखा देखने के बाद वो टाइम जब आता है उस वक्त हम गाय के लिए एक विशेष चौका लगा के उस में गाय बांध के उसके पांव धुलाते हैं उसको माला पहनाते हैं उसमें तिलक लगाते हैं जब पूजा करने के बाद शाम को दिन को जब चराने ले जाते हैं उस वक्त सारी महिलाएं इकट्ठी होके माल जो एक विशेष इसका भजन कीर्तन जो हमारे पूर्वजों से लेकर बनाए हुए हैं दो है और बधावे इनकी जो कहानियाँ हैं वो सब गाई जाती है उस दिन गौ माता की जय हम ग्राम पंचायत पहाड़ गांव ढींढ से आए हैं और हमारे ये माड़ पूर्णिया बहुत ज़ोर शोर से मनाई जाती है हमारे मतलब मंदिर के पास से ये शुरू माँ शुरू करते हैं और इसको इसका खूब महत्व माना गया है क्योंकि इस गौ माता की सेवा करने से इस इसे लोग कहते हैं कि मतलब सारे दुख दर्द ठीक होते हैं गौ माता की सेवा करने से इस सारे पुण्य मिलते हैं इसलिए गौ माता की पूजा की जाती है पर इसका विशेष महत्व तो ऐसे तो हर रोज करते हैं पूजा पर इसका विशेष महत्व तो माल पूर्णिया के दिन माना गया है माल पूर्णिमा वाले दिन हम गाय की पूजा करते हैं उसे तिलक लगाते हैं माला चढ़ाते हैं फूल चढ़ाते हैं और उसे खाने के लिए देते हैं चावल वाली पिन्नी देते हैं बनाकर और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने सड़क पे से जो दुखी थी नालों में से उठा उठा के हम इस आश्रम में लाए हैं और उसकी देखभाल हम लोग कर रहे हैं मुझे ना रात का पता चलता है ना मुझे दिन का पता चलता मैं इतने खुश नसीब अपने आप को समझती हूँ कि मेरा इनके साथ जीवन अपना अंतिम जो समय है या अंतिम पौध पे हैं हम लोग कि इनके साथ मेरा कट रहा है और मैं कुछ अच्छे कर्म भी कर रही हूँ तो मेरी तो यही रहेगी एक मेरी गवर्नमेंट से ही सिर्फ ये बेनती है कि जो भी लोग ये इनका घर है किसान का घर इनके लिए है किसान के घर में रहने का आश्रम है इनका ये आश्रम जो, जो ये है वृद्ध आश्रम दुखियों का आश्रम है ये ये जब दुखी होते हैं तब हम इन्हें लाते हैं गौ माताओं को बच्चों को सड़क पे छोड़ते हैं उनको कड़ी से कड़ी पनिशमेंट दी जाए जिसने छोड़ा है उसके लिए कोई ऐसा एक्ट बनाया जाए कि सख्त पनिशमेंट हो कि वो सड़क पे किसी भी बेजुबान और जिसने दूध देना बंद कर दिया उस गौ माता या बच्चू को किसी को ना छोड़े ये सब ईश्वर की कृपा समझूंगी मैं क्योंकि इन गऊ की सेवा करती हुई जी कोई ना मेरे को कष्ट होता जी मेरे को बड़ा आनंद आता है जी बहुत आनंद आता है जी। इन गऊ की सेवा करते हुए ईश्वर की कृपा है जी मेरे ऊपर जो मैं इन का कर सकती हूँ जी ये तो जी हम शुक्र गुजार हम इन ललित शर्मा जी का करते हैं जी, जी। जिन्होंने बेसारा गौओं को सहारा दिया गवंगों पे गोएँ सारी सड़कों में थी जी, जी। सड़कों में सारी गोवें जो बहुत बेसहारा थी उन्होंने एक एक करके यहाँ लाए और हमारे आंटी जी मीनाक्षी आंटी जी इन्होंने बड़ा योगदान इनका उन्हें सारा जीवन इनका समर्पित इन गऊ के लिए जी सारी देखभाल ये करते जी हाँ जी गौ नहीं होगी तो अगर गौ बचेगी हमारा देश बचेगा जी और गौ मतलब गौ सबसे बड़ी सेवा है जी, जी। गऊ हमारी माँ है ये गौ समझते ना लोग समझते इसको माँ नहीं समझते आजकल तो माल समझ रहे गौं को लेकिन हमारी माता है जी हम मिलजुल के काम करते हैं जी मेरे घर परिवार है मेरे छोटी देव देवरानी है वो संभाल लेती है फिर सुबह जैसे उठना चार बजे उठ जाते जी हम मैं मेरे पति देव जी हम दोनों से गौ सेवा करते हैं और ड्यूटी चले जाते हैं आठ बजे को फिर उनका ड्यूटी उनको भी ड्यूटी भेजना और इन गऊ को फिर बार भी करना और जैसे बाहर करके फिर उनको अंदर एक दो बजे अंदर करना फिर उनको बाहर करना फिर बच्चों को मेरे को बड़ा आनंद आता है जी मेरे को पता नहीं चलता जी दिन कब कब जैसे मतलब पता लगता कब दिन हुआ कब रात जी दर्शकों कार्यक्रम हिमकलश में आज हम बात कर रहे हैं माल पूर्णिमा उत्सव की जो कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में बहुत ही उत्साह पूर्वक मनाया जाता है इस उत्सव के पीछे के इतिहास के बारे में जानने के लिए अब हमारे साथ हैं ललित शर्मा जी आइए उनसे जानते हैं इस उत्सव का महत्व और इसके इतिहास के बारे में माल पूर्णिमा का जो उत्सव है ये बहुत वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि बड़े उत्साह से मनाया जाता है हालांकि अब गांव के शहर बन रहे हैं तो थोड़ी कमी आई है लेकिन फिर भी काफ़ी उत्साह से इसको मनाया जाता है ये उत्सव दिवाली के पंद्रह दिन पहले शरद पूर्णिमा के अवसर पर यानी उसी को यहाँ पे स्थानीय लोग माल पूर्णिमा कहते हैं मैंने इस उत्सव के बारे में काफ़ी लोगों से चर्चा की कि वो ये जो परंपरा है ये परंपरा कब से है कैसे है इसका क्या इतिहास है और क्यों इसे माल पूर्णिमा कहा जाता जा। है तो सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि माल जो यहाँ पे कहते हैं वो गौधन को लेकर के ये शब्द की उत्पत्ति हुई है जी। और गौधन को ही माल कहते थे पहले किसी का भी आकलन करते थे कि वो कितना मालदार है या कितना कितनी संपत्ति है उसके पास तो उसके पास गौधन को देखा जाता था जी। और उसी को लेकर के ये शब्द की उत्पत्ति हुई है जी। अब इस उत्सव को लेकर लेके मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैं खोज कर रहा था कि ये जगह जगह जाके हम लोगों ने बात की बुज़ुर्गों से बात की कि इसके ये जो परंपरा है इसके पीछे का क्या राज है ये मनाया जाता है इतने उत्साह से तो सब ने अपनी अपनी बात कही लेकिन एक जो ऑथेंटिक मुझे बात लगी वो ये है कि मैं दत्तावानी एक बार गया था वहाँ मुझे एक छियासी वर्षीय वृद्ध मिले जो कि कृषोग पांगना की तरफ के थे जी, उन्होंने मुझे बताया कि समय का ज्ञान नहीं है लेकिन बहुत पहले अकाल पड़ा एक बार और खाने पीने के लाले पड़ गए बिल्कुल सूखा ग्रस्त हो गया सारी धरती सूखा ग्रस्त हो गई उसमें क्या हुआ था कि लोग भी मरने शुरू हो गए थे गौवंश भी गौधन भी का भी यही हाल था तो एक व्यक्ति को कहते हैं कि स्केत यानी मंडी और कुल्लू के बॉर्डर का कहीं कोई हिस्सा है दिया। एरिया है वो उस जगह में एक व्यक्ति ने स्वप्न में देखा कि एक गाय बुला रही है और वो कह रही है कि मेरे साथ चलो मेरे साथ चलो जी। तो और जैसे ही उस वो नींद से जागता है तो देखता है कि वो गाय उसके दरवाजे पे खड़ी है तो उसे लगा कि कुछ तो बात है उन्होंने गांव में जाकर के अन्य लोगों से संपर्क किया और संपर्क किया तो कहते हैं कि लोग जैसे इकट्ठे हुए तो गाय ने चलना शुरू किया जी। तो गाय चलना शुरू ही वहाँ से तो लोग पीछे पीछे से फॉलो करना शुरू कर दिया लोग पीछे से चलना शुरू हो गए और चलते चलते जहाँ जहाँ वो रात को रुकी है वहाँ वहाँ पे अभी भी कुछ मंदिर के रूप में है जिसको कहीं हरी देवी का मंदिर बोलते हैं कहीं गौ माता का मंदिर बोलते हैं अलग अलग जगह में अलग अलग कहते हैं वहाँ रात को रुकी वहाँ लोग अभी भी हरी पत्तियाँ चढ़ाते हैं चलते फिरते अब भी वो परंपरा है कि यहाँ कभी वो गाय रुकी थी तो उसके बाद क्या हुआ कि वो गाय चलते चलते आई और यहाँ कहते हैं जो उन बुजुर्ग ने कहा कि वो कहीं पटियाला की तरफ को गई और वहाँ पे जाके कहते एक शिला पे खड़ी हुई शिला पे खड़ी हुई और वहाँ पे जब जैसे ही शिला पे खड़ी हुई तो दूध की धारें छोड़ी अपने आप जी। और दूध की धार छोड़ते छोड़ते ही कहते बादल आए और बारिश शुरू हुई जी। और गऊ ने प्राण त्याग दिए ये एक घटना है और वो स्थान यहाँ पे पास में ही जहाँ की गुवाही कहते हैं वहाँ पे है मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो बेसिक विचारधारा आपकी इस गौशाला को लेकर है जो यहाँ पे आपका दिनचर्या रहती है किस तरह से आप अपना समय व्यतीत करते हैं किस तरह की यहाँ पे आप गतिविधियाँ होती हैं सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो गौ की आज दुर्दशा है वो हमको लगता है कि गौ की दुर्दशा है वास्तव में वो दुर्दशा हम इंसानों की है क्योंकि जिस घर में गाय नहीं होगी वहाँ पे नकली दूध आएगा नकली घी आएगा और उससे हॉस्पिटल भरे पड़े हैं बीमारी बीमारी इतनी ज़्यादा हो रही है तो ये हम लोगों को सोचना है कि गाय हमको पालती है हम गाय को नहीं पालते और जो लोग छोड़ रहे हैं घर से निकाल रहे हैं वो समझो कि अपने साथ अपने बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने कुछ और गौशालाएँ भी पहले शुरू की जैसे टुट्टू में श्री कामना पुण्य गौशाला है वहाँ पे शुरू किया उसके बाद हम लोगों ने शोघ्घी में एक गौशाला का निर्माण करवाया जो कि अब वहाँ के स्थानीय लोग उसको गौशाला को देख रहे हैं जो कि हनुमान मंदिर के समीप में एक गौशाला है फिर सर्दियाँ आई तो सर्दियों में क्या था कि गौशालाएँ फुल थी शोघ्घी की गौशाला फुल थी और टूट वाली गौशाला भी फुल थी क्योंकि जितनी एकोमडेशन होती है उतनी गवें रह सकती है उसके अंदर जी रह सकती हैं तो हमने यहाँ पे किराए पे जगह ली ये शेड लिए और यहाँ पे हमने गौशाला का आरंभ किया क्योंकि बर्फ़ में थी कुछ गवें फंसी हुई और उनका बुरा हाल था उस टाइम बीमार थी लाचार थी बहुत उनको हम लाए यहाँ पे और तब से इस गौशाला की शुरुआत हुई हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये विचार आपके मन में कहाँ से आया किस तरह से अपने व्यवसाय से हटकर आपने इस विचार को अपने अंदर डेवलप किया और किस तरह से आपका योगदान किस तरह से इस पूरे प्रोसेस में रहा है शुरू शुरू में जब लगभग पंद्रह वर्ष पहले की बात है हम लोग देखते थे कि सड़कों पर गवे हैं और कई जगह गाड़ियाँ उनके ऊपर चढ़ चढ़ रही होती थी एक्सीडेंट होते थे और बुरी तरह से गएँ जख्मी हो जाती थी मर जाती थी सड़क पे और उनकी कोई केयर नहीं करता था और यही सब क, देख के मन में पीड़ा होती थी बहुत पीड़ा होती थी तो हमारे कुछ संपर्क में कुछ ऐसे सौभाग्य से ऐसे व्यक्ति मिले जिन्होंने जिनसे ये चर्चा होने लगी चर्चा और करते करते हम लोग आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं गवों को लोग लावारिस छोड़ते हैं जी। उसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए जी। जैसे एनिमल क्रोलिटी एक्ट है 1960 का तो उसमें सज़ा का इतना बड़ा प्रावधान नहीं है जी, जी, जी। उसमें पाँच सौ की वैल्यू बहुत होती थी लेकिन आज वो पाँच सौ कुछ भी नहीं है अगर कोई क्रोलिटी करता भी है तो पाँच सौ रुपये छूट जाएगा तो आज की डेट में तो कम से कम भी एक लाख रुपये का जुर्माना उसको हो ताकि वो सड़कों पे ना छोड़े और साथ ही साथ अवेयरनेस की ज़रूरत है जिस पे मैं एक विशेष बात कहना चाहूँगा कि गौ विज्ञान विषय को शिक्षा में सम्मिलित किया जाए जी। अगर गौ विज्ञान क्योंकि ये मामूली से हम लोगों को लगता है कि गाय दूध देती है और गोबर से खेती होती है गौमूत्र का थोड़ा बहुत हम लोगों को नॉलेज है लेकिन ऐसा नहीं है गाय अपने आप में संपूर्ण विज्ञान है विज्ञान तो इस बारे में जब हम पिछले जो पंद्रह वर्षों का मेरा अध्ययन है उससे ये लगता है कि केवल मात्र ये सलूशन है कि सिलेबस में गौ विज्ञान एक विषय हो और जिससे शुरू से लेके यानी पहली क्लास से लेके पढ़ा बच्चों को पढ़ाया जाए जिसके जब जानकारी होगी तो तब लोग गौं को बाहर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू का उनको पता चलेगा सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है ताकि ये जो समस्या ना रहे और अभी हमारा सौभाग्य है कि गौशालाओं के लिए भी सरकार ने एक नीति बनाई है जिसमें पाँच सौ प्रति गाय के हिसाब से गौशालाओं को योगदान सरकार की ओर से मिल रहा है जो कि हमें भी यहाँ पे एक ऐसी मिल मिल चुकी है और पहली बार हुआ ऐसा जब सरकार की ओर से हमें कोई योगदान मिला है और इसमें बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जैसे क्योंकि मैं पूरे हिमाचल की गौशालाओं की भी विजिट करता रहता हूं हमारी कुछ और एनजीओ भी है जो राष्ट्रीय स्तर की है जिसमें मेरे प्रदेश का भी दायित्व है तो हम लोगों का रहता है कि गौशाला में जाते हैं वहाँ पर एक सबसे बड़ी जो कमी है वो ये कि बहुत वर्षों से गौशालाएँ चल रही हैं लोगों ने बना दी लेकिन वो ज़मीन उनके नाम पे नहीं है गौशालाओं के नाम पे नहीं है तो आए दिन उनको रहता है कि कभी उनको रेवेन्यू वाले परेशान करते हैं कभी फॉरेस्ट वाले परेशान करते हैं तो वो इसी इन्हीं बातों में उलझे रहते हैं जिससे कि वो डिस्करेज होते रहते हैं उनका हौसला टूटता रहता है कि हम लोग गऊ को पालें कि ये इस ये कानूनी प्रक्रिया से या सरकार से लड़ते रहें तो इसमें जो गौशालाएँ जो चल रही हैं जिनके पास भूमि नहीं है तो उन लोगों को भूमि मिलनी चाहिए अभी सरकार ने हिमाचल सरकार ने बल्कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी है उन्होंने ये वायदा भी किया था बल्कि पहली कैबिनेट के बाद उन्होंने कहा था कि मैं एक रुपये पट्टे पे एक रुपये लीज पे जो है ना गौशालों को जमीन दूंगा लेकिन अभी तक ये इसमें कुछ हुआ नहीं है कहाँ तक बात चली है ये इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है लेकिन किसी को अभी तक ये जमीन नहीं मिली है तो वो एक सरकार से हमारा निवेदन है कि जितनी जेनुनली जो लोग गौशालाएँ चला रहे हैं उन लोगों को भूमि का प्रबंध किया जाए क्योंकि वो भूमि के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते वहाँ कुछ अगर उनको एक अलग से एक शेड बनाना है वो शेड भी नहीं बना पाते जितना उन्होंने कभी बना दिया बना दिया था जिसके घर में गाय है जी। वो धनवान है व्यक्ति यानी उसके घर में माल है उसके घर में धन है जी। और इसी तरह से इस माल पूर्णिमा की शुभकामनाएं मैं सबको देता हूँ और ये भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि सब लोगों को ऐसी सम्मति दे कि कोई भी एक भी व्यक्ति गाय को घर से ना निकाले और उनके घर में सुख शांति रहे आज की चाहे युवा पीढ़ी लो जो कि अंधी दौड़ में दौड़ रही है इस पे हम लोग ध्यान देने की जरूरत है तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुमंजिली इमारतें बहुमंजिली इमारतें कितनी बनाओगे तुम बिन गऊ के सब जहर ज़हर क्या सोना खाओगे तुम बहुमंजली मारते यानी लोग बिल्डिंग इतनी बना रहे हैं और गाय के बिना सब जहर जहर है जी, जी. और एक और जो बात जो मन में पीड़ा है वो कहना चाहूँगा कि हैरान हूँ मैं युग की नीतियों को देखकर हैरान हूँ मैं युग की नीतियों को देखकर डॉक्टर को काटते हैं और दवा तलाशते हैं क्योंकि आज की डेट में इतनी सारी गौ की तस्करी हो रही है और जिस जो की जाके कटती हैं तो ये इस पे मैं मैसेज देना चाहूँगा कि गो को लवारिस ना छोड़ो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही जाते जाते आइए नजर डालते हैं उत्सव के अंतिम माला नृत्य पे